अगर जी भाई कोई तो नहीं बोलो रेत में दाब दो, कोई बोलो क्या ही दाब दो, मतलब भाई जिद मारकन बेटा कोई साधन कौन थोड़े, कोई गाड़ी मोटर की मी कौन थी पगा मी आठ जो करता गाडो थो जी ऊँ कमे बाजे गए स्टेशन जाके फोन करो जिद हमें गाड़ी बुलाई हूँ पिताजी घरी कौन थो जी भैया हमी मार वो मारा छोरो बुढ़ो थो हमी लेके उड़ गया राज तीन दिन रखे अस्पताल में जी ने बोले भाई इसको तो हाथ कटाओ हाथ कटाओ बेटा मेरे भैंस द्वार के घरी जी मैं बोली भाई हाथ कटाओ तुम ये गया जी ले इन जी भाई हाथ काटती भाई इतने तो बेटा तो पहुँच लो रात ने रोटी भी कोनी बनाई बेटो एक हाथ खो गयो चुकर कमा के खा को न्यू मन में होगी चुनाव को बेटा जने जना के भाई हाथ जोड़ना अपने मैं बोली बेटा तन टिकट तो मिल गई मैं एक काम करिए तू मेहनत करनी है दुनिया में तू पानी लेगी मैं यही बात कही उन्हें मो बेटा दुनिया थी साई मरस मर जपरी काम बेटा आठ टंकी लेने मैं बोली बेटा तू दुनिया में पानी ले तो अपना ढाणी चिमकाई ने इसी दुनिया ने भी चिमकाई बेटा मारा ढाणी में स्कूल कौन थो मारा ढाणी में लाइट कौन थी मारा ढाणी में कोई धर्मशाला किम्मी भी कौन थो सारी चीज़ें जीत के आए पास है दिवाली परेड दिन जीत के आए जी अपना दिवाली वाला दिन पहल छोटी लाइट आई। एक आम परिवार से कोई व्यक्ति कितना दूर तक पहुँच सकता है और वो उस स्थान तक पहुँच सकता है जब देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यानी देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को सम्मानित करे और देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को चूरू लोकसभा से टिकट दे। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र की माताजी मौजूद है और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एकदम साधारण परिवार है और इस साधारण परिवार के अंदर एकदम आम जीवन जीते हैं ये लोग। और जब टिकट दिया गया तब यहाँ कैसा माहौल था, कैसा मतलब इनके लिए मोमेंट था, इनसे पूछते हैं। माता जी राम राम। राम राम बेटा। तकड़ा ओके तकड़ा हाँ। जम्मा जम्मा अब तो और तकड़ा होगा, टिकट मिलेगी चुनाव लड़ो और तकड़ा होगा बेटा सगड़ा होगा। अच्छा अच्छा तो देवेंद्र अब चुनाव लड़न लग रहे हैं, खूब बाजू फिर है वो सदा वो इतना मेहनती है के? इतनो ही मेहनती है बेटा, वो तो छोटो स्थो ने मेहनत का लाग गया थोड़ी घनी मेहनत करे से छोटो स्थो जी हम ये मकान करदा जी दे जाल पर जाके रोटी खांदो खांदो एकदम छोड़ के ने आ रे नी बोले मैं सोटी लिया पहली बेटा चुनम कुटिया का चुनन सोटिया कुटिया का। एक साल को जद जी 11 साल 11 साल को 11 साल फिर मैं बोली रहा बेटा रोटी खा ले बोले मान के खा लियो तो वही वो मुल्डा उठी जी मैं बोली रहे अपर लोग गए थे बेटा वो कह तो किलकार मारी किलकार मारी जी भाई बाजा लोग बाग हमने बेरो कौन थो जो महाराज बिजली थी भी कौन ये जितने पत्थे आई बेटा पहले बिजली कौन थी हमारे। अच्छा हाँ यार जपरी में बिजली को नहीं ना जपरी गई लाए। अच्छा फिर भाई वो मुड़ान थी जी ने तो गया जी भाई को तो ऊपर चढ़न लगे जी लोग बाग मिस्त्री थो नहीं बोले रहा ऊपर ना चढ़ो कर दताली उतारो बांस उतारो कर। अच्छा वो पेड़ के ऊपर ही चढ़े डो करंट आ गया ऊपर करंट आ गया जाल के ऊपर भाई भगवान कुदरत हूँ खोडरम सुको खोडरो काटो हूँ मैं चाल गयो कतरा चाल गयो भगवान बताऊंगी बेटा ये खोडरम चाल गयो जी दताली ता में काट के गिरो ने लोग हाथ मार लिया जी भाई एक जने का हाथ मार जी रूम भी करंट आ गया करंट आ गया जी भाई कोई तो नहीं बोलो रेत में दाब दो कोई बोलो क्या ही दाब दो मतलब भाई जिद मारकन बेटा कोई साधन कौन थोड़े कोई गाड़ी मोटर की मी कौन थी पगा मी आठ जो करता गाडो थो जी ऊँ कमे बाजे गए स्टेशन जाके फोन करो जिद हमें गाड़ी बुलाई हूँ पिताजी घरी कौन थो जी भैया हमी मार वो मारा छोरो बुढ़ो थो हमी लेके उड़ गया राज तीन दिन रखे अस्पताल में जी ने बोले भाई इसको तो हाथ कटाओ हाथ कटाओ बेटा मेरे भैंस द्वार के घरी जी मैं बोली भैया हाथ कटाओ तुम ये गया जी ले इन जी भाई हाथ काटती भाई इतने तो बेटा तो पहुँच लो रात ने रोटी भी कोनी बनाई बेटो एक हाथ खो गयो चुकर कमा के खा को न्यू मन में होगी बहुत निफरे तो ये बेटा वो दिन तो बहुत रोई हारी भगवान देख ले तू इसी तो जदू छोरे को हाथ कटो आप गामा में देखा कोई टब्बर को हाथ कट जाए पैर हूँ अपंग हो और वह तो वह और ही काम में लाग जाए पर देवेंद्र मतलब इतनी मेहनत कद करी कठे गयो तो गोल्ड ले बेटा कठे करी यो फेरे झंडो को नहीं निकंदो माँ मेरे हाथ कट गया मैं टावराम कौन सा मैं बोली बेटा भगवान ले लियो भगवान ने दियो तो हाथ कोई बात को नहीं तू टावराम जा खेल जी दियो के करो भाई और तो जंदा अठ अपना यो यो सन रतन पर और यो मिठड़ी एकलो ही जानो जी दे इसने भाई बड़
आपने ये सरकनासन है आप इधर थमित कम जानता होगा मले ऊं का भाई मैं सो की जाना मैं आठों यहाँ इड़ा जिद बेटा यो डोक को तोड़ तोड़ की नहीं आर बस सरकना ठेठ ताई बगाऊं दे धंधर बगाऊं दे सरकना बगान तो हाँ भाई ऊं को तीर या काटी काटी की नहीं अच्छा आर भाई फिर आठ से टिब्बा पर खड़े होगी फिर बगाऊं दो अच्छा उन्हें इतनी तुरबीन लगाई ऊं ते जिद मैं बोली बेटा तो यो के बहम ले लिए बोले माँ यो भगवान मने यो ही बहम दिवाए से मचमी तो करूँ ही कहे भाई ठीक से बेटा तू कर ले मक फिर भाई बस सरकना भगाऊं दो और पहली चोटी आठे फिर यो राजगढ़ खंदा दिया मैं पढ़ने आठ में नौमी एकलो ही भगाऊं दो कि सरकना एकलो एकलो ही जान दो स्कूल में और सच्ची जान दो ही कौन अच्छा और तो जान दा रतन पर यो मिठड़ी जान दो एकलो हाँ एकलो ही रहन दो कहीं छेटी कौन रहे पछ रन लागे छेटी फिर तो उसने बाण पड़ी टाबराम रन लागे खूब रन दो फिर भाई यो भैया उठा चले गए हो आपने राजगढ़ फिर राजगढ़ भैया जो नहीं जानी हो बालो फन क्या करता नहीं ऐ भाई ग्राउंड में जान दो यो ग्राउंड में जान दो जी बस सरकना फेंक दो नहीं बालो फकन लागे जी यो गयो ना उठाए फर्स्ट लियो जी भाई मारे भी नहीं होगी थोड़ी थोड़ी भाई ये पहले भैया खेलना खेलिया बेरो कौन तो किसान है फिर मारनी होगी भाई यो खेल लेगा है ना आप ही खिलावा फिर बेटा राजगढ़ में 2 किलो दूध पहुँचाऊँगी और घी पहुँचाऊँगी 2 बंश थी मेरे कन जिदा अपने भाइयो जान दो एस टी सी खोला की थी एक दुकान सी खोला थी त्यों जान दो भाई वो बोझ तो मर जान दो 4-5 किलो दूध ले भाई वो खीर बना ली दो कि मैं अच्छो लाग दो बोझ खा दो जिद बेटा खूब फकाउन लागे फकाउन लागे फिर शुरू में वो गंगानगर गयो जिद घर ही आए मेरे कन बोले माँ 2 तो रोटी चूट दे और 1 प्लेटी गाल दे और 1 मेरे खातरी कचौड़ी गाल दे 1 गिलास गाल दे 1 थाली गाल दे हाँ 2 रोटियाँ चूरमू करके बांध मैं बोली बेटा तू राजगढ़ तो खुले तेरे कौन लंबर आउ देश बोले माँ बा आगे जागे देखी जागे तू गाल दे फिर बाबू डोड़ी बीननी आ रही थी मैं बोली बेटा इसने 2 रोटी बाजरे ही चूरिए शक्कर और बाजरे ही रोटी खा दो भाई उन्हें बाजरे ही रोटी कड़ा पहले गे हूँ था बाजरे खा फिर भाई उन्होंने भैया खोल गाल के नर कपड़े टीर गाल के बांध के न आठ देती देती उठा फोन करो जो जीत जानते उनसे फोन कर दो बोले माँ आपका लड़का को फर्स्ट नंबर आए फर्स्ट नंबर आ जी भाई मारा और होगी बेटा मन में भाई फर्स्ट नंबर आवास है नहीं तो भाई ठीक से फिर भाई वो खेल ख्याल क्या फिर भाई ये और ख्याल होने लग गया जी उठे भी भैया को पहले नंबर आने लग पहले नंबर आने लग गयो ये दे मैं बोली फिर मार बडोड़ सुरकन लग गयो माँ इसने बाबा ने इतनी खुराक खुआया कर कहियो किमी बन सका सका गिरे के को थे पाना अभी बडोड़ लड़को बोले अच्छा। माँ किमी बन सका सका अपने का भाई खिलाड़ी बन की किमी बन सका सका जी भैया क्या हमें फूल चराई करी इतना दिन 12 साल ताई था हमें कोई चराई को नहीं करी ये और खंदा उसी रोटी खान दो दही रोटी खा के तड़के स्कूल में चल जान दो सांझे आन दो तड़के ही खा के चल जान दोपहर में कड़ा नाश्ता था भूखो ही रन दवा जान फिर बेटा हमें है यो मरसो यो ख्याल फिर यो अच्छो ख्याल हो गया तो 5 लाख रुपया मिलिया ने पहली चोट जिद भाई या दुनिया में हवाई फूट गया अपने को खेलिया कर दो को नहीं बोलो रे एक हाथ को छोरो 5 लाख रुपया जी घना भी हूँ बोला हूँ जिद जिद भाई हमें के करो फिर बेटा वह 5 लाख मिल गया जी भाई की और खुराक ज़्यादा जाट जमींदार हम कटे खुराक थी मैंने मैं तो भैंस रख्या करती जिद मैं तो भैंस रख्या करती फिर भैया की चराई करी फूल फिर भाई खेल दो पहल चोटे अरे 5 लाख रुपया मिला कौन सा मेडल बेटा मेरे तो याद तो हाथ बन दे फिर उठा मिल गया फिर आग गए जिदे को और गोल्ड आ गए 3 गोल्ड मेडल जीते तीन बन जिदी मैं नहीं हूँ बेटा तू दुनिया में जीत तो ही जीत तो आए जीतता ही भी को चलो मैं अच्छा। वो दिन सर्वात्मा तो आई थी बेटा तो आता ही हारे ही कौन ये भी क्या हारो जनता ही अपने घनी लाग रही है तो जिस दिन देवेंद्र ने टिकट मिली हाँ। तो थाने पहली पोत कण बतायो कि देवेंद्र ने न्यू टिकट मिली है पहली पोत बेटा मेरे बेटा फोन करे मेरे कन मेरा ही कन करे पहले देवेंद्र करे हाँ आप करे ये बोले माँ मैंने टिकट मिल गई बेटा बहुत बढ़िया काम हो गया टिकट मिल गई तो और ऊँचो जागो बोले तू राजेश के मैं बोली भाई बेटा भाई दुनिया में बूझ करनी पड़ेगी लोगों का वोट मांगना पड़ेगा यो तेरे एकलो काम को नहीं दुनिया को काम से बोले माँ कराएंगा ले दुनिया को ठीक से बेटा मिल गई तो बढ़िया काम हो
तो थाने बेर हो गए वो चुनाव के हुए कौन लड़े कौन लड़ावे हमने तो बेटा किमी कौन बेर तो मैं न्यू कर ली चुनाव को बेटा जने जना के भाई हाथ जोड़ना अपने मैं बोली बेटा तन टिकट तो मिल गई मैं एक काम करिए तू मेहनत करनी उस है दुनिया में तू पानी ले गई मैं यह बात कही उन्हें मो बेटा दुनिया की साई मरस मर जपरिए काम बेटा आठ टंकी लेने मैं बोली बेटा तू दुनिया में पानी ले तो अपना ढाणी चिमकाई ने इसी दुनिया ने भी चिमकाई बेटा मारा ढाणी में स्कूल कौन थो मारा ढाणी में लाइट कौन थी मारा ढाणी में कोई धर्मशाला किम्मी भी कौन थो सारी चीज़ें जीत के आई पत से दिवाली परेड दिन जीत के आई जी अपना दिवाली वाला दिन पहल छोटी लाइट आई जी लाइट जो आई अच्छा। तो थारे पानी पुणी लगे ही कौन के पानी पीण को भी कौन जावे भी कौन पीण को भी कौन बेटा जीते पत से लिया पानी नहर आड़ो पानी चिमका दिए मोदी को सिर पर हाथ मोदी जी जानो मोदी कौन है जानो मैं तो देवेंद्र जी पहली बार मोदी मिल गए तो फोटो फोटो बतामदा फोटो थी कन्ना मार गरी लाग रही फोटो अच्छा और देवेंद्र की लड़की है ना अपने दविंदर को सिर पर लड़की का मोदी को हाथ धरेड़ो है अच्छा हाँ और मैं तो गई को नहीं अपने हाँ पोती का अच्छा। और मैं तो बेटा गई को नहीं मैं नहीं भी ले जाता हूँ मैं बोली बेटा मेरा चल लियो कौन सा मोदी जी तो ध्यान शुरुआती सर मोदी जी टिकट दी मोदी जी दी तो अब जितो देवेंद्र सुद्धो है मैं भाषण सुना और सुना तो जमा शुद्ध सुर लगा बचपन ये सदात नहीं बेटा ईसो ही शुद्धो है मन बुझे बिना तो कठे गए कौन पहले चोटे आओगे तो मेरे कने आओ बोली भाई आपका टाबरान तो ले दुनिया दाँव रखे मैं मान बेटा इसी दाँव कोई राख को नहीं सके बट चाहो उन्होंने मुठ्ठी बनना जो बेटा तू वो ढो रहे हो माँ के मुठ्ठी रख माँ वर्गी कोई चीज ही को नहीं कहे माँ वर्गी कोई चीज ही को नहीं ये बेटा घनो ही अच्छे से और दुनिया में मैं तो नहीं हूँ बेटा तो ईसो काम करा ये लोग न्यू कहेंगा तो भाई देवेंद्र जी तो काम कराए थाने उम्मीद ही क्या है मतलब इतना सिंपल से परिवार ने या देवेंद्र ने या थाने इतना बड़ा आदमी मोदी जी टिकट दे देगा मैं तो हम के बेटा मार तो कोठी ने बड़े मोदी जी ने अपना उठ बुलायो ना मंदिर में पहली चोट भाई ए नहीं बुलायो पंद्रह भाई आदमी बुलाए मैं पहली चोट बुलाए जिद मार जी भाई मोदी जी बुलाए से जी किम किम तो कराएगी फिर न अर्जुन वार्ड दे दियो कोई टावरा को वो बड्डो खेलना जिदा मार कौन जची मुको भाई यो दे दियो टिकट दे दिया भाई उनके ध्यान में आए कि बात सुन बढ़िया लगे लड़को बढ़िया लगे जी दे दी भाई तो थारे आस पड़ोस की लुगाई पताई गामा में रिश्तेदार नहीं भी हो है सगी भी हो बे थाने फोन फान करेंगे अब तो चुनाव होगो पर पहला मतलब क्या अर्जुन अवार्ड मिल गयो मोदी जी टिकट दे दी घनाई भी करें अपने दे रिश्तेदार भाई सगी के अपने भाण बेटी एक भाण तो आ रही है चार भाण से तीन भाई चार भाण से अच्छा हाँ तो सारा रिश्तेदार फोन कर भाणा की बड़ी रिश्तेदार एक छोरी कमजोर थी उनका कोठी करवाई अच्छा हाँ वाणा की दया बहुत करा तो थाने सारा लोग सुना है जितना लोग वोट गिरेगा नहीं थाने सारा सुना है बन के होगा थे भाई मैं तो न्यू कहूँ बेटा तेरे तो हो सो सब को काम कराइए दुनिया आशीष देगी न्यू कहेंगे लोग भाई जीत्यो थो और भाई काम कराए और तू मेहनत दे कर रही है और मेहनत फालतू करिए जीत के सोइए ना काम कराइए लोग बिठरबड़ की तावड़ो ना लगाइए भाई सोजा नहीं जान तावड़ो तावड़ो लगाइए दुनिया में हांड की हाँ तावड़ो लगाइए मको तो थे देख सको ना सोइए तावड़ो लगाइए मको यही बात हूँ बेटा मैं तो तो थे देख सको कितनो साधारण परिवार है और साधारण परिवार की सोच साधारण को नहीं बा सोच बहुत ऊंची है और बा ऊंची सोच ही अपने आप ने अपने चूरन भी ऊंची लेके जा सके और थे देखो हम बताए जो जयपुरी गांव है वो छोटो सो कस्बो ढाणी है एक महीने बिजली भी कोनी पानी भी कोनी पर एक 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 गांव का छोरे जीत गए और भाई इतनी चीज़ें करी है तो चूरू खतरे भी बो कि कर सके थारे सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।